पीएम मोदी के आपदा में अवसर के बारे की कुछ लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। विगत दिनों केवलारी क्षेत्र में आई बाढ़ जैसी आपदा के चलते कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे। आपदा के चलते मझगवां के पास वेनगंगा नदी पर अंग्रेजों के जमाने का बना पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद ही कोरोना की लागत से बन रहा नया पुल प्रशासनिक उदासीनता और ठेकेदारों की लापरवाही से कई वर्षों से कम्प्लीट नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में विभाग के द्वारा आम नागरिकों का यह माने कि हमने रास्ता रोक दिया गया है, संपर्क टूट गया है, जो अनिवार्य आवश्यकताएं भी हैं, स्वास्थ्य की अनिवार्य आवश्यकता और दिनचर्या के लिए जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, उससे भी एक मेन शहर से संपर्क ग्रामीण क्षेत्रों का टूट गया है। ऐसी स्थिति में विभाग के द्वारा जो इस बात की भी निगरानी नहीं रखी जा रही है कि आम आदमी जो वहाँ से सफ़र कर रहा है, पैदल मोटरसाइकिल निकाल रहा है, मोटरसाइकिल निकालने वाले 50 रुपये 25 रुपये इत्यादि पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वहाँ विभाग के द्वारा इस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि अगर मोटरसाइकिल निकालने में या पैदल निकलने में कोई भी एक बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। मैं मानता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी और समय रहते विभाग को चाहिए कि उस पुराने पुल का, जब तक बड़ा पुल का निर्माण होने में कम से कम अगर यही चीटी जैसी स्पीड से चलेगा निर्माण कार्य तो 1.5 से 2 साल का लंबा समय लग जाएगा, तो तब तक के लिए आवागमन अवरुद्ध ना हो युद्ध स्तर पर कोई ना कोई कार्य किया जाना चाहिए और ना किए जाने की स्थिति में विभाग के ऊपर सख्ती से जिला प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। विगत महीने में 28-29 अगस्त को जो बाढ़ आई हुई थी उसमें वैनगंगा नदी पर बने मझगवां पुल में क्षति हो गई थी और उससे आवागमन अवरुद्ध हो गया था। जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग को मार्ग को और पुल को दुरुस्त करने के लिए पत्राचार कर दिया गया है। ये जानकारी तो मुझे नहीं थी, आपके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है तो मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ और वहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी करवाई जाएगी ताकि जो ये आवागमन है वो सुरक्षित तरीके से हो, असुरक्षित तरीके से आवागमन ना हो। आदमी को परेशानी पड़ती है साहब, आप जिसको बहुत दिक्कत पड़ती है और जो नहीं मानता है तो वो पैसे देता है और जो कई वापस भी हो जाता है और कई गिर भी जाते हैं, तो उन लोगों को हम लोग उठाना भी पड़ता है। उन लोगों को अभी तक कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है इसका, है और कुछ नहीं बता पाते। वहाँ जाना है जी, अब जे बाढ़ के वजह से यहाँ पे अपन लोग रुक चुके हैं, अभी बाढ़ खत्म होगी जब जाएंगे ना पड़ेंगे, अभी तो यहाँ कोई चारा ही नहीं। यहाँ से अभी शाम को निकले थे सर तो बाढ़ नहीं थी, बाढ़ नहीं थी ना सर तो पार हो गए। अब बाढ़ आ गई तब टूटा, 50 रुपये दे के गाड़ी पार करे हम पार हो।